मुंबई के सांता क्रूज स्थित होटल ग्रैंड हयात में इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक 2014 की शुरुआत हुई और इसके पहले दिन कई बॉलीवुड कलाकारों ने रैंप वॉक किया और साथ ही कई सितारों ने यहां बतौर गेस्ट शिरकत की। पहला शो पेश किया गया गीतांजलि ग्रुप द्वारा, जहां पर गीतांजलि ने अपना बेहतरीन निजाम कलेक्शन पेश किया और इसके लिए रैंप पर उतरी बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया, जो काफी खूबसूरत लग रही थी। ये कलेक्शन आशिमा और लीना ने डिजाइन किया था। इस मौके पर नेहा ने निजाम कलेक्शन के बारे में बताया और साथ ही ये बताया कि उन्हें ज्वेलरी काफी पसंद है। I'm wearing clothes by Ashima and Leena, and of course the jewelry is by Gitanjali Group. It's a part of the Nizam collection. Of course, Mr. Choksi is standing right next to me, and for me, I think wearing Gitanjali jewelry and having the man behind the show is a huge honor. और साथ ही नेहा ने अपने आने वाली फिल्म उंगली और संता बंता को लेकर अपने एक्साइटमेंट के बारे में भी बात की। I have something fun coming out in September. It's called 21 Topo Ki Salami, and it'll be nice. I've missed myself on the silver screen for a while, so I'm just glad that it's all happening now. I also have Ungli that's coming out in November, and I have a comedy film called Santa Banta which should be coming out sometime soon as well. दूसरे शो में अमीषा पटेल ने रैंप वॉक किया और सूर्या गोल्ड की ज्वेलरी को पेश किया। खूबसूरत अमीषा पटेल ज्वेलरी से लदी हुई और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। डिजाइनर मनाली जगताप ने अमीषा के कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया था। अपने कलेक्शंस के बारे में तो उन्होंने बताया ही, साथ ही अमीषा की भी खूब तारीफ की। Amisha worked for me for the first time and she's lovely, she's gorgeous, she looks so pretty, and I love the costume. We had to mix and match because she really liked a lot of outfits, so I was wondering, she wanted to wear two of them, so we were actually confused, so then we thought that we should mix and match and we've designed this beautiful lehenga for her. Amisha Patel ne bataya ki unhein bhari jewelry pehnna kaafi pasand hai. I don't think there is a girl who doesn't think that diamonds are her best friend. I love jewelry. इस मौके पर अमीषा पटेल ने अपनी आने वाली होम प्रोडक्शन फिल्म देसी मैजिक के बारे में भी बताया। Well, देसी मैजिक मेरी होम प्रोडक्शन जो अमीषा पटेल प्रोडक्शंस के बैनर के नीचे आप जल्दी ही देख रहे हो। वो फिल्म आप टीजर अभी 40 दिन है, 40-50 दिन में आप पहली झलक देखोगे स्क्रीन पे, तो उसकी तैयारी में मैं बहुत खुश हूँ। अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने वॉक किया मोनी अग्रवाल के SGL कलेक्शन के लिए, जहां पर उन्होंने ट्रेडिशनल ज्वेलरी को पेश किया। इस मौके पर चित्रांगदा काफी खूबसूरत लग रही थी और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ खास मौके पर ही ज्वेलरी पहनती है। ये मोनी अग्रवाल ने डिजाइन करी है और इसका नाम है हीरा बनी और राजस्थान से इंस्पायर्ड है। एज यू कैन सी काफी पोलकी का काम है, अनकट डायमंड है, एमरल्ड है, सो दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग। और मेरा पर्सनल फेवरेट थी अनकट डायमंड और जो एक एंटीक ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है एज माय फेवरेट, सो दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग। अभिनेत्री कल्की ने भी प्रीति के लिए जबरदस्त रैंप वॉक किया और पेश किया ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन। इस मौके पर कल्की ने बताया कि उन्हें ज्वेलरी पहनना काफी पसंद है। उन्होंने रैंप वॉक के अपने अनुभव को बिल्कुल नया नवेला बताया। मेरी फेवरेट ज्वेलरी एंटीक ज्वेलरी है जो मेरी ग्रैंडमदर से आ रही है। आई लाइक अ लॉट ऑफ एंटीक स्टफ एंड आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय ग्रैंडमदर अ लॉट ऑफ ओल्ड विंटेज ज्वेलरी, सो आई लाइक दैट। अभिनेत्री गौहर खान ने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए वॉक किया। गौहर खान ने बताया कि वो यहाँ पर हर्षिनी की ज्वेलरी को सपोर्ट करने आई है, जिसने पेश किए गए कलेक्शन को डिजाइन किया है। मैं IIJW में हूँ और हर्षिनी जेठानी, मैं उनके लिए आज वॉक कर रही थी एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि स्टूडेंट्स होके वो इतना अच्छा सीखते हैं और इतना अच्छा बनाते हैं, सो रियली हैप्पी अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। साथ ही गौहर ने बताया कि उन्हें ज्वेलरी काफी पसंद है और प्यार करने वाले लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते ही रहते हैं। मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है ज्वेलरी से। आई थिंक जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को गिफ्ट करते ही रहते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। दिया मिर्जा, जो यहाँ पर नई नवेली दुल्हन की तरह आभूषण में लदी नजर आ रही थी, शोभना श्रृंगार के लिए रैंप वॉक कर रही थी। दिया मिर्जा ने भी शो की ओपनिंग की और शो स्टॉपर भी वही रही। यहाँ पर बात करते हुए दिया ने बताया कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है, मगर फिलहाल अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म बॉबी जासूस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है और साथ ही उसकी सफलता पर वो काफी खुश नजर आ रही थी। नई साल और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस साल शादी हो रही है,
हम बहुत खुश हैं प्यार से बॉबी जासूस के लिए, विद्या के लिए, पूरे एक्टर्स के लिए जो उनके परफॉर्मेंसेस सराहे गए हैं, लोगों ने इतना प्यार दिया है, वी वेरी ग्रेटफुल. And we will continue to make films. I mean, we've set up a production company to entertain the audiences and to do what we believe in. And I'm very grateful and humbled and honored by the love and appreciation the film has received. अभिनेता फिरोज खान के परिवार से ताल्लुक रखने वाली फराह खान ने ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक 2014 में उतारा. फराह खान को सपोर्ट करने के लिए अभिनेत्री भाग्यश्री, पूजा बेदी, रोजा फेम मधु, फराह के भाई जायद खान, उनकी मां जरीन खान और पिता संजय खान और अभिनेता जैकी श्रॉफ सामने आए, जिन्होंने बात करते हुए फराह खान के कलेक्शन की जमकर तारीफ की. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ फराह खान. आई थिंक शी मेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल एंड एक्सक्लूसिव ज्वेलरी. इंडियन वुमन आर वेरी ब्यूटीफुल एंड फराह खान्स ज्वेलरी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब. आई थिंक इतनी इंटरनेशनल किस्म की ज्वेलरी मैं आज तक नहीं देखा है. और जिस तरह से ये काम करती है, पैशनेटली काम करती है, और कपड़े, ज्वेलरी, पूरी जो स्टेज की लाइटिंग्स थी, म्यूजिक, हर चीज़ का एक एक हिस्सा था. इट वाज जस्ट फैंटास्टिक. जैकी श्रॉफ ने फराह खान द्वारा पेश किए गए कलेक्शन की काफ़ी तारीफ की और साथ में ये भी बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ को 350 रुपये की ज्वेलरी गिफ्ट की थी. पहले तो मैं ज्वेलरी ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, मेरे को आदत नहीं है, मगर फराह जी जो डिज़ाइन की थी आज, बहुत ऊँचा, बहुत खूबसूरत और बहुत एक्सक्विजिट है. मेरी पत्नी को दिया था मैंने, एक छोटा सा एक डायमंड था, 350 रुपये में मिला था. अंत में अपाला के लिए रैंप पर उतरी हॉट अभिनेत्री सनी लियोनी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी. सनी लियोनी ने यहां पर अपाला के लिए रैंप वॉक किया और अपाला की ज्वेलरी को पेश किया. आइए आपको दिखाते हैं सनी का सेक्सी रैंप वॉक. इस मौके पर कई मॉडल्स ने रैंप वॉक किया और अलग अलग ज्वेलरी को प्रमोट किया, मगर सितारों की मौजूदगी ने इस इवेंट में चार चांद लगा दिए. MS एंटरटेनमेंट, मुंबई.